मेघालय, जिसका नाम सुनते ही बादलों का ख्याल आता है और चेरापूंजी का नाम सुनते ही बरसात का ख्याल आता है। बारिश की बात हो और चेरापूंजी का नाम ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो भी क्यों ना भाई, सबसे ज़्यादा बारिश वाला स्थान जो है चेरापूंजी। आज हम चेरापूंजी की अलग अलग जगहों पर जाएंगे और इससे जुड़ी हुई रोचक घटनाएं, जानकारी और तथ्यों के बारे में जानेंगे। हमारे दिमाग में चेरापूंजी की जो छवि निर्मित है वो कुछ ऐसी है कि यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां हर वक्त वर्षा होती है। वास्तव में देश की अन्य भागों की तरह यहां भी वर्षा ऋतु के समय ही बारिश होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर धरती के किसी अन्य स्थान से अधिक बारिश होती है। तो आइए आप भी हमारे साथ आज चेरापूंजी की यात्रा करते हैं। दोस्तों, हम लोग चेरापूंजी जाने के लिए शिलोंग होते हुए गुवाहाटी से आ रहे हैं सड़क मार्ग के थ्रू। यदि आप भी सड़क मार्ग के थ्रू आना चाहते हैं तो यहाँ कई बसें और टैक्सी यात्रियों को गुवाहाटी से शिलोंग तक ले जाती है। यात्रा में 3 से 4 घंटे लगते हैं। शिलोंग से चेरापूंजी की दूरी 54 किलोमीटर है और चेरापूंजी की यात्रा के लिए आप शिलोंग शहर से टैक्सी या स्थानीय बस सेवाएँ ले सकते हैं। यदि आप ट्रेन या फ्लाइट से आ रहे हैं तो निकटतम जो स्थान है वो गुवाहाटी है, वहाँ से आप ट्रेन और फ्लाइट से ले सकते हैं। अभी हम लोग चेरापूंजी जाते वक्त हमें ये रास्ते में बेहतरीन खूबसूरत सी वादियाँ देखने को मिली। पर्यटन को लेकर अगर बात की जाए तो यहाँ घूमने लायक काफ़ी जगह है जो आपका ध्यान आकर्षित करती है। इसके अलावा यहाँ से बांग्लादेश के मैदान को पूरा दृश्य भी दिखाई देता है जो बेहद खूबसूरत लगता है। हरियाली के साथ अगर आप झरने और गुफाओं की भी सैर करना चाहते हैं तो चेरापूंजी आपके लिए एक अच्छा जगह साबित हो सकता है। अभी हम लोग शिलोंग से चेरापूंजी जाते वक्त ये गहरी घाटी मिलती है जो एक प्रमुख दर्शनीय स्थल है जहां पर्यटक अवश्य रुकते हैं। दोनों तरफ से हरे भरे पहाड़ और बीच में एकदम गहरी खाई वाली इस घाटी का नाम मॉकडॉग घाटी है, यानी कि मॉकडॉग वैली। तो इस मॉकडॉग घाटी पर साल के अधिकांश महीने में तो बादल ही छाए होते हैं, पर अभी जैसे कि अक्टूबर का ठंडा का मौसम है इसके कारण आसमान बिल्कुल साफ है। बिना बादलों वाले मेघालय देखना बड़ा ही दुर्लभ है। चारों तरफ के दृश्यों को देखकर यहां से जाने का दिल ही नहीं करता है। घाटी में आप कुछ इस तरह नीचे उतर कर एक व्यू पॉइंट पर जा सकते हैं और यहाँ से प्रकृति के द्वारा अपने हाथों से बनाए बगीचों का असीम आनंद लिया जा सकता है। यहाँ से चेरापूंजी की दूरी अब सिर्फ 20-25 किलोमीटर ही बची है, लेकिन पूरे रास्ते भर ऐसे ही रंगीन नज़ारे मिलते रहते हैं। चेरापूंजी पहुँचने के बाद हमें 7 सिस्टर वाटरफॉल के दर्शन करने हैं। ऐसा नहीं है कि शिलोंग से चलना शुरू किया और चेरापूंजी पहुँच कर ही दम लेना है, बल्कि दोनों शहरों के बीच में रास्तों का जो सौंदर्य है उसे देखते हुए आप कभी समय पर चेरापूंजी पहुँच ही नहीं पाएंगे। अभी हमें रास्ते में ये खूबसूरत सा गाँव दिखाई दिया। शिलोंग के शहरी क्षेत्र से बाहर निकलते ही साफ सुथरे घुमादार पहाड़ियाँ रास्ते शुरू हो जाते हैं और हर पेड़ एक नुकीले क्रिसमस ट्री जैसा दिखाई देता है। पूरा मेघालय ही एक बगीचा जैसा जान पड़ता है। चूंकि चेरापूंजी मेघालय के दक्षिणी छोर स्थित मेघालय बांग्लादेश की सीमा से सटा हुआ है, इसलिए यहाँ से घाटियों के आगे का जो समतल धुंधला भूभाग नजर आ रहा है वो कोई और नहीं बांग्लादेशी है। अपने देश से एक पड़ोसी देश को देखने के लिए लोगों ने अपने अपने कैमरों के जूम करके खूब तस्वीरों को कैद करना शुरू किया था, परंतु धुंधलेपन के कारण बांग्लादेश की कोई वस्तु वैसे समझ नहीं आ रही थी। चेरापूंजी कोई और भी स्थान है जहां से बांग्लादेश और भी साफ दिखाई देता है, वहां मैं आपको आगे लेकर चलूँगा। अभी कुछ देर आगे बढ़ने के बाद हमें एक वाकबा फॉल मिला जो कि मेघालय का एक मौसमी झरना है। यह चेरापूंजी में लोकप्रिय झरनों में से एक है। चेरापूंजी पर्यटन का अनुभव करने के लिए सबसे अच्छे स्थानों में से एक है, मगर यहाँ पर जैसा कि अभी बरसात का मौसम नहीं है तो इसलिए यहाँ पे उतने ज़्यादा झरनों का आनंद हम लोग नहीं ले सकते हैं। यहाँ पे जो झरना है एक खड़ी चट्टान की तरफ से गिरता है और सैकड़ों मीटर नीचे एक गार्ड तक गिरता है। फॉल से बहता पानी क्रिस्टल क्लियर है और सड़क के किनारे पर स्थित है, यह आसानी से देखा जा सकता है। झरनों के दृश्य तक पहुंचने के लिए एक छोटी चढ़ाई करनी पड़ती है। आप देख सकते हैं वहां से कुछ लोग जैसे कि जा रहे हैं वहां पे फॉल देखने के लिए, मगर हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वहां पे अभी पूरी तरह सूखा हुआ है
और वहाँ पे हमें फॉल देखने को नहीं मिलेगा उतना खास आनंद, तो हम लोग यहीं से इसकी खूबसूरती का आनंद उठाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूँ कि यहाँ का जो प्रवेश टिकट है वो 20 रुपया है। झरने के आसपास सुंदर पहाड़ और रास्ते बने हुए हैं। झरने को देखने के लिए आपको सड़क से काफ़ी सीढ़ियाँ उतर कर नीचे की ओर जाना पड़ता है, पर घबराइए नहीं, नीचे तक ज़रूर पहुँचिए। नीचे पहुँचने पर आपको कुदरत का अद्भुत नज़ारा दिखाई देगा। यदि आप बारिश के मौसम में आते हैं तो आपको ज़रूर यहाँ पर जाकर यहाँ फॉल तक जाना चाहिए। अंत में एक बार फिर से हम लोग सेवन सिस्टर फॉल्स की ओर बढ़ने लगे हैं। जैसा कि हम सभी को पता है कि चेरापूंजी का अधिकतम वर्षा प्राप्त करने का विश्व रिकॉर्ड है। चेरापूंजी और उसके आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों को खासी के नाम से जाना जाता है। क्षेत्र के मिष्टी घाटियों और झरने चेरापूंजी के माध्यम से एक लंबी ड्राइव बनाते हैं, जो सड़क यात्राओं के लिए आदर्श माना जाता है। यहाँ के पर्यटन स्थल पूरे भारत में प्रसिद्ध हैं। और अब हम लोग नोसिंगथियांग फॉल पहुँच चुके हैं, जिसको सेवन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। यह जो झरना है यहाँ पे हम लोग देखेंगे वो 315 मीटर के ऊंचाई से उगता है और इसकी चौड़ाई करीब 70 मीटर है। इसे भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक बनाती है और ये इसका व्यू पॉइंट है जहाँ से हम लोग देखेंगे। अभी तो फ़िलहाल कुछ यहाँ पे खास हमको फॉल दिखाई नहीं देगा क्योंकि बारिश का मौसम नहीं है। बरसात का मौसम न होने के कारण इस जल प्रमाद का पूरा आनंद तो नहीं आ पाया, फिर भी दो चार जो जल धाराएं हैं दिख रही हैं बारिश मौसम में। एक बार फिर से लगता है कि चेरापूंजी आना ही पड़ेगा इसकी मनमोहक खूबसूरती को देखने के लिए। यदि आप चेरापूंजी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो नवंबर से फरवरी तक का सबसे बेस्ट टाइम होता है यहाँ पर घूमने के लिए, क्योंकि उस समय के दौरान बारिश ज़्यादा नहीं होती है और आप अपनी यात्रा का पूरा मज़ा ले पाएंगे। और यहाँ से आपको बांग्लादेश के मैदान भी दिखाई देते हैं। पठार में 7 धाराएं प्रवाहित होने के कारण झरने को सेवन सिस्टर फॉल्स कहा जाता है। इसका 1035 फीट ऊंचाई से नीचे गिरता है। यह भारत का चौथा सबसे ऊंचा झरना है। यहाँ का पूरा वातावरण बिल्कुल शांत है और आराम करने के लिए एक अद्भुत और बेस्ट जगह है। सेवन सिस्टर फॉल के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर 7 बहनें थी जिनमें से एक मर गई थी, ऐसा यहाँ के लोकल लोगों में मिथक है। मुझे ऐसा नहीं लगता, पर हाँ इन 7 झरनों की खूबसूरती को मन मोह लेती है जो कि वो फोटो में नहीं समा सकती है। इस झरनों को देखने के लिए कई जगह व्यू पॉइंट बने हुए हैं और झरनों में से 7 धाराएं बराबर तो नहीं है, पर हाँ सही से देखने के लिए मौसम का सही होना भी बहुत ज़रूरी है। देखिए आप नदी जो है इसमें सूख गई है, उतनी ज़्यादा पानी आपको देखने को नहीं मिलेगी, पर एक बात तो है आप कभी भी यहाँ पर आइए, यहाँ का वातावरण और यहाँ का नज़ारा दोनों मन मोह लेते हैं। वैसे तो चेरापूंजी में रात बिताने के लिए कोई खास व्यवस्था भी नहीं है और रुकने की भी कोई आवश्यकता नहीं लगता मुझे, क्योंकि चेरापूंजी में आप एक दिन का ही भ्रमण कर सकते हैं। शिलोंग से यात्रा के लिए सिर्फ एक दिन के लिए ही यहाँ पर लोग आते हैं। वैसे तो आपको यहाँ पर छोटी छोटी दुकानें देखने को मिलेगी और यहाँ पर खाने के लिए कुछ कुछ चीज़ें भी आपको मिल सकती है। दोस्तों तो ये था चेरापूंजी के कुछ फेमस जगह और पर्यटन स्थल। तो आप ऐसे ही भारत के अलग अलग प्राकृतिक और धार्मिक स्थल के बारे में जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप अभी तक यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें।